सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल LIC भेसपान को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आप प्राप्त कर सकें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे LIC के न्यू टर्म इंश्योरेंस प्लान के बारे में। LIC काफी लंबे समय के बाद दो टर्म इंश्योरेंस प्लान 12 जुलाई 2019 को लॉन्च करने जा रही है, जिसमें पहला टर्म इंश्योरेंस प्लान जीवन अमर है, जिसको केवल ऑफलाइन ही लिया जा सकता है। दूसरा टर्म इंश्योरेंस प्लान टेक टर्म है, जिसको केवल ऑनलाइन ही लिया जा सकता है। इस वीडियो में हम केवल जीवन अमर टर्म इंश्योरेंस प्लान के बारे में ही चर्चा करेंगे। यदि आप टेक टर्म प्लान के बारे में जानकारी चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जीवन अमर एक प्योर लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। इस प्लान का टेबल नंबर है 855। तो आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर पे बात करेंगे हम इस प्लान के बेसिक इन्फॉर्मेशन की। पहला पॉइंट है LIC जीवन अमर प्लान इज ए नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान। यह एक नॉन लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है, मतलब इसका शेयर मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। यह एक नॉन पार्टिसिपेटिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान है। इस प्लान में आपको किसी भी प्रकार की मैच्योरिटी नहीं दी जाती है। इस प्लान में पॉलिसी के दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ होने पर बीमा राशि दी जाती है। दूसरा पॉइंट है इट इज एन ऑफलाइन टर्म इंश्योरेंस प्लान। इस प्लान को LIC के एजेंटों द्वारा ही लिया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है दिस इज ए सिंगल लिमिटेड एंड रेगुलर प्रीमियम पेमेंट प्लान। इस प्लान के प्रीमियम का भुगतान आप सिंगल लिमिटेड या रेगुलर प्रीमियम पेमेंट मोड में कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर अवेलेबल इन लिमिटेड एंड रेगुलर प्रीमियम पेमेंट प्लान। यदि आप इस प्लान में एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर का विकल्प लेना चाहते हैं तो इस प्लान के लिमिटेड एंड रेगुलर प्रीमियम पेमेंट प्लान में ले सकते हैं। पांचवा पॉइंट है सेटलमेंट ऑप्शन अवेलेबल इन 5, 10 and 15 ईयर्स इन केस डेथ ऑफ पॉलिसी होल्डर। इस प्लान में पॉलिसी होल्डर के डेथ क्लेम को लेने के लिए सेटलमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल हैं, जिसको 5, 10 या 15 साल के सेटलमेंट ऑप्शन में लिया जा सकता है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं इस प्लान के एलिजिबिलिटी की, मतलब इस प्लान को लेने के लिए क्या क्या मापदंड हैं। अब बात करते हैं इस प्लान के एंट्री एज की। इस प्लान को लेने के लिए मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज 65 साल है। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज, इस प्लान में मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 80 साल है। यदि आप इस प्लान को अधिकतम अवधि के लिए लेते हैं तो आपको 80 साल की एज तक रिस्क कवर मिलता है। मिनिमम एंड मैक्सिमम बेसिक सम अश्योर्ड, इस प्लान में मिनिमम बेसिक सम अश्योर्ड 25 लाख से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इस प्लान में मैक्सिमम बेसिक सम अश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, यह आपकी वित्तीय स्थिति पर निर्भर करता है। पॉलिसी टर्म, इस प्लान को मिनिमम 10 साल के लिए लिया जा सकता है और मैक्सिमम 40 साल के लिए लिया जा सकता है। प्रीमियम पेमेंट मोड, इस प्लान में प्रीमियम भुगतान अवधि के लिए 3 विकल्प दिए गए हैं। यदि आप सिंगल प्रीमियम भुगतान का चुनाव करते हैं तो आपको केवल एक ही बार प्रीमियम का भुगतान करना है। यदि आप रेगुलर प्रीमियम भुगतान अवधि का चुनाव करते हैं तो आपको पॉलिसी के अंत तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। और यदि आप लिमिटेड प्रीमियम भुगतान अवधि का चुनाव करते हैं तो इसमें आपको कुछ अवधि के लिए ही प्रीमियम का भुगतान करना होगा। इस प्लान में आप प्रीमियम का भुगतान ईयरली या हाफ ईयरली मोड में कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर बात करते हैं इस प्लान के बेनिफिट की। सबसे पहले बात करते हैं इस प्लान के डेथ बेनिफिट की। इस प्लान में डेथ बेनिफिट के लिए 2 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है इफ ऑप्ट फॉर ए लेवल सम अश्योर्ड। यदि आपने लेवल सम अश्योर्ड का चुनाव किया है तो पॉलिसी के अंत तक आपका बेसिक सम अश्योर्ड सेम रहता है। एग्जाम्पल के लिए यदि आपने बेसिक सम अश्योर्ड 1 करोड़ का लिया है तो पॉलिसी के अंत तक आपका रिस्क कवर 1 करोड़ रुपए ही रहेगा। यदि पॉलिसी के दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को बेसिक सम अश्योर्ड ही दिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन है इफ ऑप्ट फॉर एन इंक्रीजिंग सम अश्योर्ड। यदि आपने इंक्रीजिंग सम अश्योर्ड विकल्प का चुनाव किया है तो आपका इंक्रीजिंग सम अश्योर्ड पहले 5 साल सेम ही रहेगा, लेकिन 6 साल से 10 साल तक आपका बेसिक सम अश्योर्ड 10% की दर से हर साल बढ़ता रहेगा। एग्जाम्पल के लिए यदि आप 1 करोड़ का बेसिक सम अश्योर्ड लेते हैं तो पहले 5 साल आपका बेसिक सम अश्योर्ड 1 करोड़ ही रहेगा, लेकिन 6 साल से 10 साल तक आपका रिस्क कवर 1 करोड़ से 1.5 करोड़ हो जाएगा। और उसके बाद 11 साल से पॉलिसी के अंत तक आपका रिस्क कवर 1.5 करोड़ ही रहेगा। यदि पॉलिसी अवधि के दौरान किसी कारणवश पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को इंक्रीजिंग सम अश्योर्ड दिया जाएगा। अब बात करते हैं इस प्लान के टैक्स बेनिफिट की। इस प्लान में अंडर सेक्शन 80C इनकम टैक्स का बेनिफिट दिया जाएगा। अब बात करते हैं इस प्लान के रिस्क कवरेज की।
यदि आप इस प्लान को अधिकतम अवधि के लिए लेते हैं तो 80 साल की एज तक आपको रिस्क कवर दिया जाता है। चौथे नंबर पे बात करते हैं इस प्लान के मोर्टेलिटी चार्जेस की, यानी प्रीमियम कॉस्ट की। इस प्लान को दो प्रकार के कैटेगरी वाले लोगों में बांटा गया है, जिसमें पहली कैटेगरी है नॉन स्मोकर और दूसरी कैटेगरी है स्मोकर। यदि कोई व्यक्ति नॉन स्मोकर है और वह जीवन अमर प्लान को लेता है तो इस प्लान के लिए उससे लो प्रीमियम चार्ज किया जाएगा, और यदि नॉन स्मोकर कोई फीमेल है तो उससे मेल के मुकाबले और भी कम प्रीमियम चार्ज किया जाएगा। यदि इस प्लान को कोई स्मोकर लेता है तो उससे नॉन स्मोकर के मुकाबले ज़्यादा प्रीमियम चार्ज किया जाएगा, और यदि स्मोकर कोई लेडीज है तो उसे प्रीमियम चार्ज मेल के मुकाबले कम लिया जाएगा। पांचवे नंबर पे एग्जांपल द्वारा इस प्लान के प्रीमियम को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए इस प्लान में सम अश्योर्ड ऑप्शन में लेवल सम अश्योर्ड विकल्प का चयन किया जाता है, जिसमें बेसिक सम अश्योर्ड लिया जाता है 1 करोड़ रुपए का। इसके लिए टर्म ली जाती है 10 साल के लिए, और प्रीमियम पेइंग टर्म ली जाती है 10 साल के लिए, और प्रीमियम पेइंग मोड लिया जाता है ईयरली। यदि ऊपर दी गई डिटेल्स के अकॉर्डिंग इस प्लान को कोई मेल लेता है जिसकी एज 20 साल है तो उसको ईयरली प्रीमियम देना होगा 8,080 रुपये। यदि कोई महिला इस प्लान को लेती है जिसकी एज 20 साल है तो उसको प्रीमियम देना होगा 7,760 रुपये। इसी प्रकार यदि कोई मेल जिसकी एज 30 साल है तो उसको ईयरली प्रीमियम देना पड़ेगा 9,280। इसी प्रकार यदि कोई महिला जिसकी एज 30 साल है और इस प्लान को ले रही है तो उसको प्रीमियम ईयरली देना पड़ेगा 8,720 रुपये। इसी प्रकार यदि कोई मेल जिसकी एज 40 साल है और वह इस प्लान को ले रहा है तो उसको ईयरली प्रीमियम देना होगा 16,065 रुपये। इसी प्रकार यदि कोई महिला जिसकी एज 40 साल है और वह इस प्लान को ले रही है तो उसको ईयरली प्रीमियम देना होगा 13,260 रुपये। दोस्तों, यदि आप इस प्लान को कम उम्र में लेते हैं तो आपको प्रीमियम का भुगतान कम करना पड़ता है। यदि आप ज़्यादा उम्र में इस प्लान को लेंगे तो आपको प्रीमियम का भुगतान ज़्यादा करना पड़ेगा। दोस्तों, यदि इस प्लान से संबंधित आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको कमेंट द्वारा रिप्लाई जरूर किया जाएगा। तो दोस्तों, यह थी LIC के टर्म इंश्योरेंस जीवन अमर प्लान की जानकारी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके मेरा हौसला जरूर बढ़ाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस आपको समय पर मिलती रहें। और अंत में अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।